हेलो एवरीवन, आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ICSI का प्रैक्टिस मैनुअल यूज़ करके टैक्स सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और टैक्स सब्जेक्ट आपको CS एग्जीक्यूटिव में भी है और प्रोफेशनल में भी है, तो आज का ये वीडियो एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी रेलेवेंट है और प्रोफेशनल वालों के लिए भी रेलेवेंट है। टैक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे CS स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है और मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरा जो थियरी पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं CS में, जैसे टैक्स है, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है और FM है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक था। और उसमें मैं कितना भी सॉल्व करता था, कितना भी पढ़ाई करता था, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था मुझे उसमें। मैंने अपना CS प्रोफेशनल ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ क्लियर किया है और मैक्सिमम मार्क्स मुझे CS प्रोफेशनल में टैक्स में ही आए हैं, 66। बट मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही लिमिटेड था, मुझे ऐसा था कि बस कैसे भी करके 40-45 मार्क्स मिल जाए टैक्स में, उतना मेरे लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि टैक्स और दूसरे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर मेरा इतना ग्रिप स्ट्रांग नहीं है CS में। तो आज ये वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि टैक्स सब्जेक्ट में जो मेरा एक्सपेक्टेशन था 40-45 मार्क्स, उसको कैसे मैंने पीछे छोड़ के 66 मार्क्स स्कोर किए विद दी हेल्प ऑफ ICSI प्रैक्टिस मैनुअल। जनरली मोस्ट ऑफ द CS स्टूडेंट्स CS कोर्स इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनका थियरी जो होता है वो स्ट्रांग होता है और उनको इंटरेस्ट होता है कॉर्पोरेट लॉस में, बट उनका जो प्रैक्टिकल होता है टैक्स, अकाउंट्स, FM, कॉस्टिंग, ये सब इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज कम्पेयर टू द थियरी पार्ट। बट होता क्या है, फिर जब हम एग्जाम्स के लिए अपियर करते हैं और उसमें फिर हमको ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आता है तो हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जितना कॉन्फिडेंस हमको थियरी सब्जेक्ट्स में है। तो जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट है। इसमें टैक्स में मुझे सिर्फ 48 मार्क्स मिले थे और ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोफेशनल में 66 मिले तो वैसे ही पहले से मेरा टैक्स में अच्छा मार्क्स था, तो ऐसा नहीं है। अब आप आपके स्क्रीन पे देखो मेरा CS प्रोफेशनल में टैक्स का जो मार्क्स है वो, अभी आप इसको कंपेयर करो CS एग्जीक्यूटिव के 48 मार्क्स से, मतलब फ्रॉम CS एग्जीक्यूटिव टू CS प्रोफेशनल डायरेक्ट एक बड़ा जंप है ऑलमोस्ट 40% का। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जीक्यूटिव में टैक्स सब्जेक्ट MCQ था, तो MCQ में इनफैक्ट ज़्यादा स्कोरिंग के चांसेस होते हैं। बट अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे को एग्जीक्यूटिव में सिर्फ 48 था और फिर प्रोफेशनल में ये 48 कन्वर्ट हो गया 66 में इन सेम सब्जेक्ट टैक्स। तो फ्रॉम 48 मार्क्स इन एग्जीक्यूटिव टू 66 मार्क्स इन प्रोफेशनल, ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ICSI प्रैक्टिस मैनुअल का जो मैंने सॉल्विंग किया वो, और दूसरी जो स्ट्रेटजीज मैंने यूज़ की थी वो। आज ये वीडियो में सिर्फ हम ICSI प्रैक्टिस मैनुअल के बारे में बात करेंगे, बट अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं पूरा टैक्स सब्जेक्ट का जो जितना भी स्ट्रेटजीज मैंने यूज़ किया था वो कवर करूँ, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जिनको नहीं पता कि ये प्रैक्टिस मैनुअल क्या होता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये ICSI हर अटेम्प्ट के लिए इश्यू करता है और ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो क्वेश्चन का आपको आंसर कैसा लिखना है। ये होता है इन शॉर्ट प्रैक्टिस मैनुअल। अब मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताता हूँ जो मुझे मिला था ये प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करने से। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलेगा प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करने से वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जनरली स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है टैक्स का, बट हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, डर लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा, ये उसी के लिए आपको प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर यही क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आता है तो इसका आंसर मैं कैसे लिख पाऊंगा। जैसे क्रिकेट मैच खेलने से पहले अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप मेन मैच में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक उसी तरह अगर आप एग्ज़ाम के पहले ये प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि एग्ज़ाम में आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और अगर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन आपके आंसर शीट में। अब जो सेकंड बेनिफिट है ये प्रैक्टिस मैनुअल का वो ये है कि इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। अब ये टैक्स जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये गवर्नेंस और ड्यू डिलिजेंस के तरह नहीं है कि आपने रिवाइज कर लिया तो इनफ है, इसमें आपको प्रैक्टिकली सम सॉल्व करने पड़ेंगे। और जब आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा तब आपको एक आइडिया आएगा कि आंसर को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, एंड सेकेंड थिंग कि कौन से फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है आपके आंसर शीट में। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ये प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करने का वो ये है कि ये सॉल्व करने से आपको ICSI और एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन के बारे में पता चल पाएगा, मतलब उनको क्या चाहिए आपसे आपके आंसर शीट में। प्रैक्टिस मैनुअल का बेनिफिट ये है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है, तो जब आप वो आंसर गो थ्रू करोगे, आप खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, कौन से फॉर्मेट में लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। इन शॉर्ट बेसिकली उनको क्या क्या चाहिए आपके आंसर में वो कंप्लीट चीज़ आपको ये प्रैक्टिस मैनुअल से पता चल जाएगा।
और ये प्रैक्टिस मैनुअल कितना इम्पॉर्टेंट है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये खुद ICSI ने ही इश्यू किया है, मतलब जो इंस्टीट्यूट पेपर इश्यू करने वाला है उसी ने ये प्रैक्टिस मैनुअल इश्यू किया है। ऐसा नहीं है कि कोई क्लासेस वाले ने या कोई पर्सनल प्रोफेसर ने ये प्रैक्टिस मैनुअल रिलीज़ किया है। तो ये मैंने यहाँ पे ICSI का वेबसाइट ओपन कर लिया है, इसमें अब आपको जाना है एकेडमिक पोर्टल में। एकेडमिक पोर्टल में आपको न्यू सिलेबस पे क्लिक करना है और न्यू सिलेबस में आके आपको यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आपको इस टैब में जाना है, यहाँ पे प्रोफेशनल में हो तो सेकंड टैब में आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों का प्रैक्टिस मैनुअल अपडेटेड है, और राइट साइड में आप देख सकते हो रेलेवेंट फॉर जून 2022 एग्जाम, मतलब जो मोस्ट रिसेंट अटैम्प्ट है वो अपडेटेड है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रैक्टिस मैनुअल लगा के रख दिया है, ये अपडेट भी होता रहता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे लेटेस्ट वर्जन प्रैक्टिस मैनुअल का। तो फ्रेंड्स ये थे सारे बेनिफिट्स ICSI का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करने के। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया और भी स्ट्रेटजीज था जो मैंने फॉलो किया था, तो अगर आप चाहते हो कि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ वो सारे स्ट्रेटजीज पे पूरा ओवरऑल टैक्स सब्जेक्ट पे, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत लोगों को वो जानना होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एग्ज़ाम में अपियर करने से पहले एक बार ICSI का प्रैक्टिस मैनुअल पूरा ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।